वेलकम वेलकम वेलकम। लेट्स सी हाउ मेनी आर कमिंग। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। We will begin when I see someone watching. कोई भी मुझे देखता हुआ दिख गया तो हम पढ़ाना शुरू कर देंगे और ये हादसा उनके साथ हो जाएगा, बट कोई दिख जाए मुझे जब तक नहीं दिख रहा तब तक दिक्कत है। जय हिंद जय हिंद। कृष्ण गुप्ता टू वॉचिंग, बस काफी है इतना। नितिका गुड गुड इवनिंग। देखो आज मैं लाया हूँ 50 क्वेश्चन और टारगेट है 1 घंटे में खत्म करने का। 50 भी नहीं है, 55 है, तो 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट से अपने दोस्तों यारों सबको बुला लो, आज रुकूंगा भी नहीं, तुम्हारे आंसर भी नहीं देखूंगा, जाओ। नाराज हूं मैं तुमसे, हर बार बोलते हो जल्दी जल्दी करो, बट वही है थ्रेश होल्ड हमारा 30 स्टूडेंट्स फटाफट से इकट्ठे कर लो सारे, वो टेलीग्राम ग्रुप में डाल दो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, पड़ोसियों को बुला लो, अपने अपने रिश्तेदारों को बुला लो, घर में आपके छोटे भाई बहन आपके उनको बोल दो कि यहाँ पढ़ाई हो रही है, यहाँ पे आओ चुपचाप, बड़ी ऑनलाइन क्लास करते हो ना, चलो यहाँ पे पढ़ो। गुड इवनिंग फर्स्ट का सी, बहुत बढ़िया एकदम। क्यों सर, किस बात के लिए पूछ रहे हो? नाराज हूँ इसलिए पूछ रहे हो कि पड़ोसियों को क्यों बुलाना, ये पूछ रहे हो क्या, किस चीज का क्यों पूछ रहे हो? गुड इवनिंग टू एवरीवन, 18 वॉचिंग, जल्दी जल्दी बढ़ाओ, फटाफट से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे वैसे ही स्टार्ट कर देंगे अपना। मैं दिख रहा हूँ ना सबको, ऐसे दिखता हूँ ना मैं? हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया दिख रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास दिख रहा है, एकदम मस्त दिख रहा है। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 18 से बढ़ाओ भाई, 18 से बढ़ाओ। हाँ 23 हुए, बहुत बढ़िया। तो ये जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं ना, सबसे पहला काम कर दो लाइक मार दो, क्लास खत्म होते ही गूगल रिव्यू कर दो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो हिस्ट्री और पॉलिटी में ना एक साथ आते हैं, तो अभी आपने पॉलिटी की क्लास ली उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आए होंगे जो मैं भी पूछूंगा आपसे, शायद मन किया तो पूछ लूंगा, सब डिपेंड करता है मूड पे। 23 हैं, जैसे ही 30 हो जाएंगे वैसे स्टार्ट कर देंगे और एक एक मिनट में एक क्वेश्चन करेंगे भाई साहब, ऐसे गोली की रफ्तार से चलेंगे ना हम, बढ़ने की बजाय कम हो गए यार, बड़े खराब बच्चे हो तुम लोग। सचिन बेटा जो भी भाषा लिखी है तुमने मेरे को नहीं आती हो तो, अरे हो गाना शो, मैंने पढ़ाना शुरू थोड़ी ना कर दिया है, पढ़ाएंगे अभी, थर्ड भी शो होगा, फोर्थ भी शो होगा, 55 क्वेश्चन लाऊं सारे शो होंगे एक एक करके, टेंशन काहे ले रहे हो। राम राम बेटा। टेलीग्राम ग्रुप में फटाफट से पोस्ट कर दो, हिस्ट्री की क्लास है और फटाफट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए, सबको बुला लो। कोनिचीवा कोनिचीवा बेटा कोनिचीवा, ये तो जापानीज है ये मेरे को पता है। कौन बानवा इसका नहीं पता बेटा मेरे को, कोनिचीवा पता था बस। ऐसा क्यों लग रहा है प्रत्युष को मैं जानता हूं, वो प्रत्युष अलग नाम से आया है, बड़ी अंदर की फीलिंग है। 29 स्टूडेंट्स, एक आधा कोई बच्चा और आ जाओ, 30 होते ही स्टार्ट कर देंगे। इस पर देर से अपडेट होता सर, अगर 30 हो जाएंगे तो बता देना, हो गए चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला क्वेश्चन है, द मुगल रूलर बहादुर शाह 2 वाज एक्साइल्ड बाय ब्रिटिश एंड सेंट टू, कहां भेज दिया था मुगल रूलर बहादुर शाह 2 को, कौन सी ऐसी जगह थी जहां भेज दिया था बहादुर शाह 2 को? नाइस, बहादुर शाह 2 कौन सा था सबसे पहला तो ये, और इसको भेजा कहां था ये? सो इसको भेजा था हमने रंगून में। बहादुर शाह 2 कौन था जिसको हम बहादुर शाह जफर के नाम से भी जानते हैं? जफर नाम क्यों पड़ा था इनका? क्योंकि इनका पोएट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से इनको जफर नाम दिया गया था।
रंगून क्यों भेजा था? क्योंकि इन्होंने 1857 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था, हालांकि खुद कुछ भी नहीं किया था, फिर भी अपना सपोर्ट क्योंकि दिया था इन्होंने, तो इनके सामने ही अंग्रेजों ने इनके दो बालकों को सीधा ही मत्थे में गोली मार दी, एकदम हेडशॉट, और उसके बाद इनको बोला कि और कर लो विद्रोह, है ना, हमसे पंगे लेने आ रही हो। The official language of Delhi Sultanate was, Delhi Sultanate की official language क्या थी? तो Delhi Sultanate की official language उर्दू बिल्कुल भी नहीं थी, उर्दू बहुत बाद में जाके स्टार्ट हुई है, जब लेटर मुगल एरा स्टार्ट हो गया था। अरबिक नहीं थी, हिंदी तो खैर हिंदी तो हो ही नहीं सकती, तो पर्शियन इज द राइट ऑप्शन। जितने भी बच्चों ने पर्शियन आंसर दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, वाह क्या करूं अब मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमीर खुसरोज खजनल फुतुह, ये हमें किस रूलर के रेन के बारे में जानकारी देता है? खजनल फुतुह किस रूलर के रेन यानी कि किसके राज के बारे में जानकारी देता है? तो इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के रूल के बारे में जानकारी देता है। आंसर कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया। हेलो गेमर, बहुत बढ़िया। चलो अगला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इन 1991। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किस लिए हुए थे उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन इसके आंसर होंगे, क्या आंसर है वो मैं बता दूं। पहला है स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति देता है, दूसरा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित करना, तीसरा प्रांतीय सरकार का विस्तार करना, या अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट एकदम बढ़िया है, इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट बहुत बढ़िया है, वन टू या थ्री में से कौन सी स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट अच्छी है, कौन सी वाली सही है? बच्चे बता रहे हैं डी, बीच में बच्चों ने बोला ए, बच्चे बोल रहे वन एंड थ्री, वन एंड थ्री। बीजे एमसी का क्या ये क्लास इंपॉर्टेंट है? हाँ बेटा, जहां जहां जीके आता है वहां वहां ये क्लास इंपॉर्टेंट है। जीके की क्लास के लिए कभी नहीं पूछना कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जीके सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज सबको होनी चाहिए, हर तरह की कॉमन नॉलेज, जनरल नॉलेज, कॉमन सेंस, ये सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए। ओके, इसका आंसर है टू एंड थ्री, टू एंड थ्री इज करेक्ट आंसर, यानी कि एक तरह से द्वैध शासन डायार्की, और दूसरा एक्सटेंड टू प्रोविंसिकल, एक्सटेंशन ऑफ प्रोविंसिकल गवर्नमेंट यानी कि प्रांतीय सरकारों का विस्तार, ये दोनों चीजें हुई थी इसमें मॉन्टे, कहां गया, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में। अगे ओके, ज्यादा आगे हो गया, थोड़ा सा पीछे आ जा, चलो इसी से काम चला लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों हरिहर और बुक्का ने डैश की सलाह पर अपने आचरण के पाठ्यक्रम को आकार दिया, यानी कि किसकी सलाह पे सारे काम कर रहे थे हरिहर और बुक्का, किसकी सलाह पे काम कर रहे थे? विजयनगर एम्पायर पढ़ाया आपको, आपको पता है किसकी सलाह पे काम कर रहे थे, वो था उनका टीचर विद्यानारायण, नहीं विद्यारण्य, विद्यारण्य, विद्यारण्य उनका टीचर था, और उसी के नाम पे उन्होंने अपना विजयनगर एम्पायर भी उसी के नाम पे रखा था। विजयनगर एम्पायर का नाम भी विद्यारण्य के नाम पर ही हरिहर एन बुक्का ने रखा था। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, द लीडर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन दिल्ली, दिल्ली से कौन था इन चारों में से लीडर? नाम आपको दिख रहे हैं, बेगम जीनत महल, बहादुर शाह टू, बख्त खान, कुंवर सिंह, सिक्स का बी, बहुत बढ़िया। जितने भी बच्चों ने बताया बख्त खान, नहीं भाई बख्त खान नहीं था, बख्त खान यस, बख्त खान के बारे में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, बहादुर शाह टू नाम का रूलर था लेकिन बख्त खान ये इंसान ने असल में वहां पे लीड करने का काम किया था। तो दिल्ली से कौन लीड कर रहा था? बहादुर शाह रूल कर रहा था क्योंकि वो रूलर था, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन सा बंदा सच में रूल कर रहा था? तो दिल्ली की तरफ से बख्त खान गया था बहादुर शाह का सेनापति बन के लीड करने के लिए। तो ये दो नाम इंपॉर्टेंट है।
द अर्लिएस्ट एग्जाम्पल ऑफ लैंड ग्रांट, सबसे पुराने जो भूमि के दान दिए गए थे, लैंड ग्रांट दिया था, उसके एग्जाम्पल कौन सा, कहाँ मिलते हैं हमें भूमि अनुदान? सबसे पहला उल्लेख कहाँ मिलता है, किसके शिलालेख में मिलता है हमें भूमि अनुदान, लैंड ग्रांट कहाँ मिलता है? बी 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 बी, इतने सारे बी, मॉरेंस नहीं, मेरे पास रुक गए क्या आंसर आने, बी आंसर नहीं है इसका। अगर आप सोच रहे हो बी मॉरेंस, नहीं, इसका आंसर है सातवाहना। हमें जो सच में जो शिलालेख पर लिखी हुई चीजें जहां से मिलती हैं, वो सातवाहना के यहाँ से मिलती है, जहां पे उन्होंने सच में लाइक ब्राह्मणों को लैंड ग्रांट प्रोवाइड किए थे, उस चीज के हमें सबूत मिलते हैं। नेक्स्ट है, अकबर फाउंडेड दीन इलाही प्राइमरली क्यों, दीन इलाही बनाने का सबसे मुख्य रीजन क्या था? ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हिंदी इंग्लिश वाला, तो आपके लिए मैं दोनों ही कोशिश करता हूँ। हाँ सारे आ गया ना, दोनों आ गया। चलो, अकबर ने दीन इलाही क्यों बनाया था? ताकि हिंदू मुस्लिम के बीच में डिफरेंस कम हो जाए, ताकि हिंदू और मुस्लिम्स को नेशनल रिलीजन एक तरह से एक्सेप्ट कर लिया जाए, इसका हिंदी है, राष्ट्रीय धर्म स्थापित करने में मुसलमानों और हिंदू को स्वीकार होगा, ऐसा एक अलग से बनाया जाए रिलीजन, इंश्योर रेशियल एंड कम्युनल हार्मनी या फॉर्म अ रिलीजियस क्लब, किस लिए दीन इलाही बनाया था, इसमें से आंसर दो फटाफट से, क्या रीजन है? ताकि हिंदू मुस्लिम बन जाए। दीन इलाही इस्लाम से बहुत अलग था बेटा, सबसे पहले दीन इलाही को खारिज करने वाले ही मुस्लिम लोग थे। हर चीज के बारे में पढ़ाई करने के बाद बोलना ज्यादा अच्छा रहता है, ऐसी हवा में तीर चलाना इज समटाइम्स बैड, आधा ज्ञान ज्यादा खतरनाक होता है। दीन इलाही और उसके अलावा इबादत खाना जो अकबर ने शुरू किया था, सबसे पहले मुस्लिमों ने ही उसको खारिज किया था कि नहीं भाई हमारे धर्म के खिलाफ है ये, तो आधा ज्ञान मत फैलिए, पढ़ाई कीजिए, है ना? इसका आंसर है ये, अरे ई का हुई गवा, अब हो जाएगा, एक तरह का एक नेशनल रिलीजन बना देना जिसको हिंदूज और मुस्लिम दोनों इकट्ठा कर लें, दोनों ही समझ लें। अब क्योंकि एक नेशनल रिलीजन होगा तो इसे दोनों लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको मतलब किसी को दिक्कत नहीं आएगी, आपस में अगर एक नेशनल रिलीजन बन जाएगा तो दोनों उसको मान भी लेंगे और ज्यादा लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल इज रिगार्डेड मोर एज एन एडवेंचरर देन अ रूलर, इसमें से कौन सा है जिसे हम एडवेंचरर से ज्यादा एक सॉरी रूलर से ज्यादा एडवेंचरर मानते हैं? एडवेंचरर को क्या कहते हैं भैया? साहसी, शासक से भी ज्यादा अधिक साहसी मानते हैं, साहसी भी नहीं होगा इसकी हिंदी, एडवेंचर करने वाले इंसान को क्या बोलते हैं हिंदी में? एडवेंचर सीकर, साहसी की बोलते हैं, सही है, सी बता रहे हो, बहुत सही बता रहे हो, वंडरलस्ट नाम सुना हुआ लग रहा है, वंडरलस्ट कहाँ सुना मैंने, ओके यस, इसका आंसर है बाबर, बाबर भाई साहब जो थे हमारे, ओह ज्यादा बड़ा है क्या, थोड़ा छोटा करके देखे, थोड़ा सा उधर खिसका के देखे, नहीं खिसकेगा, चलो ऐसे ठीक है, नहीं खिसका ना खिसके, बाबर जो था इसको ज्यादा एडवेंचरर मानते हैं क्योंकि ये इसने अपनी सारी जिंदगी तो लड़ाई झगड़े में निकाल दी, रूल तो बहुत कम किया इसने, दिल्ली में आया, चार लड़ाइयां की 4 साल के अंदर और उन्हीं चारों में निपट गया भाई, उससे पहले भी वो काबुल में लड़ाई बड़ाई कर रहा था और तो कुछ नहीं कर रहा था। Who was known as the liberator of the press? तो इसकी हिंदी वाला ही आप देख पाओगे, दूसरा वाला नहीं देखेगा, रुको पूजा भाई मान जा मेरी बात, भरी सभा में बेइज्जती हो रही, हाँ नाइस। तो यहां वाला देख लो, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको कहा जाता है? बेंटिक को, मैकॉले को, मेंटिमॉफ को या हेस्टिंग्स को, बताओ किसको बोलते हैं लिबरेटर ऑफ प्रेस? सर ये गायब भी तो हो गया था ना,
कौन बेटा, कौन गायब हो गया था? 10th का बच्चा बता रहे सी। बहुत बढ़िया, मेरे को आप लग रहा है कि बच्चे गूगल गूगल करके बताते हैं हमें। डी भी बता रहे हैं। या तो वैश्वी हमारी बहुत तेज है या उसका गूगल बहुत तेज है, या तो वैश्वी का दिमाग बहुत तेज है या फिर उसका इंटरनेट बहुत तेज है। दोनों में कोई एक आंसर है। इसका आंसर है मेंटिमॉफ। ठीक है, मैट कैफी। अंग्रेजी में कुछ और हिंदी में कुछ और, यही तो बात है सारी। हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? इसमें से किस इंसान ने अंग्रेजी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिसकी वजह से आप सबको पढ़नी पड़ रही है? अब बताओ, वरना तो हम सिर्फ हिंदी हिंदी में पढ़ते। 12th में हिस्ट्री में थी, 12th में हिस्ट्री तो मैंने भी पढ़ी है। एक फोन से, अरे मैं तो दोनों में से दोनों ऑप्शन दिए ना मैंने। मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं बस संभावनाएं बता रहा हूं। ये आरोप नहीं है। अगर आपको पता है कि आपका दिमाग तेज है तो ये आपके पास रहेगा, है ना? कोई इस चीज को चेंज नहीं कर सकता, मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस आपकी सच्चाई बतानी चाहिए। ठीक है, चलो इसका आंसर बताते हैं। इसका आंसर है लॉर्ड बेंटिंक्ट। बेंटिंक्ट है ना, लॉर्ड मैकॉले। ये भाई साहब ने इंडिया में आके सर्वे वगैरह किया और सर्वे करने के बाद लॉर्ड बेंटिंक्ट को बताया कि इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के ऊपर सच में रूल करना चाहते हो तो इनको ऊपर अपनी लैंग्वेज थोप दो। ये हमारी लैंग्वेज हमारे कल्चर को ही निहारते रहेंगे और एक नई चीज बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे जो हमें सदियों से आती है, तो ऑब्वियसली अपने आप को कमतर और हमें ज्यादातर मानेंगे। इसकी वजह से हम इन पे रूल कर पाएंगे। अगर आपसे पूछे कि एजुकेशन को किसने इंग्लिश में किया तो मैकॉले आंसर सही होगा, और इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज किसने बताया तो बेंटिंक सही आंसर होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते भैया। भी क्या हुआ? नीवी, परिधान, अधिवास, ये सब क्या थे? नीवी, परिधान, अधिवास, नाम देखो देखो। जिसको हिंदी अच्छी आती है वो जवाब दे देगा इसका। सिर्फ हिंदी का खेल है, हिंदी हिंदी जिसकी अच्छी है वो बता देगा। परिधान किसको कहते हैं हिंदी में? बहुत इजी सा है ये। परिधान किसको कहते हैं हिंदी में? अधिवास। सो ये है आर्यंस के गारमेंट्स का टाइप। लाइक थोड़ा ज्यादा डीप में घुस गए हम, पर कोई बात नहीं। ठीक है, इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हु रोट कल्पसूत्र? कल्पसूत्र किसने लिखा है? ये जैन टेक्स्ट है। जैन टेक्स्ट किसने लिखा है? कल्पसूत्र किसने लिखा? जल्दी जल्दी बताओ किसने लिखा भैया। 13th 14th पे आ गए भाई साहब। 13 तो बताओ मेरे को। हाँ मैं देख नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना बताओगे भी नहीं। किसने लिखा भैया? ये लिखा है भद्रबाहु ने। ये एक जैन टेक्स्ट है। जैन क्या कहते हो उसे टेक्स्ट को हिंदी में? ग्रंथ। हाँ जैन ग्रंथ है ये, और भद्रबाहु ने लिखा है इसको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट मॉन्यूमेंट? अजंता, ताजमहल, कुतुब मीनार, खजुराहो, इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना कौन सा है? सबसे पुराना स्मारक कौन सा है इसमें से? 13th का ही था। नहीं बेटा, मैंने एक आधे का 14 देखा है, बाय मिस्टेक 14। अच्छा कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया बेटा, माफ कर दिया मैंने सबको, सबको माफ कर दिया मैंने। जिन्होंने माफी नहीं भी मांगी उनको भी माफ कर दिया। बहुत बढ़िया, इसका बताओ। अजंता ए बता रहे हो? अजंता, ए से अजंता, बिल्कुल सही आंसर है। ए से अजंता, बहुत अच्छा आंसर है, बहुत सही आंसर है। अजंता सबसे पुराना है, उसके बाद खजुराहो, उसके बाद कुतुब मीनार, उसके बाद ताजमहल। द न्यू एलिमेंट ऑफ गोपुरम, आप सबको विजयनगर एम्पायर पढ़ाते हुए गोपुरम बताया था। गोपुरम का मतलब द्वार होता है, तो ये गोपुरम वाला एलिमेंट किसने ऐड किया था साउथ इंडिया में सबसे पहले? किसने ऐड किया था साउथ इंडिया में सबसे पहले?
बहुत बढ़िया। कृष्ण देव राय? नहीं बेटा, कृष्ण देव राय विजयनगर एम्पायर में था, उसने अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा बनवाए थे लेकिन उसने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, इंट्रोड्यूस किसी और ने किए थे, और इंट्रोड्यूस करने वाले थे चोलास। चोलास ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स टूम इज आउटसाइड इंडिया? ये क्वेश्चन हम क्लास के अंदर कर चुके हैं। इनमें से कौन सा रूलर है जिसकी टूम इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर है, इस समय प्रेजेंट इंडिया जो है उसके बाहर है, प्रेजेंट इंडिया के बाहर की साइड है जिसका, कौन सा भैया? बहुत बढ़िया, कल या परसों पेपर है तो लव बॉय भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया सर, मानोगे सर आप इस बात को? ये एमसीक्यू त्रिशा रेड्डी गाना गाने की कोशिश कर रही है, ये एमसीक्यू में से ही आएगा सर, इस बात की गारंटी हम नहीं लेते बच्चा। अब आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ट्राई कर सकते हैं कि इसमें से आए, लेकिन पेपर हम थोड़ा ना बना रहे हैं जो हम बोले नहीं इसी में से आएगा, यही लर्न कर लो, ये 50 क्वेश्चन पेपर लीक थोड़ा ना कर रहे हैं हम यहाँ पे। शाहजहां कहां से आ गया भाई? नहीं बेटा, शाहजहां नहीं, जहांगीर है इसका आंसर। जहांगीर याद है आपको, जहांगीर और बाबर, ये दो बंदे बाहर हैं, जहांगीर लाहौर में है और शाहजहां काबुल या कांधार में है, तो इनकी बाहर है, ठीक है, बाकी सबकी इंडिया के आसपास ही है। सारे अचानक से क्यों हंसने लग गए भाई, कौन सा जोक मार दिया मैंने ऐसे? कनिका क्यों बेइज्जती कर रही हो? किसकी भाई? कनिका ने कहाँ बेइज्जती कर दी मेरी? कहाँ है कनिका का कमेंट? कहाँ है कनिका नाम के तो बच्चे भी नहीं हमारे पास। खैर छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सब बातें तो लगी रहेंगी आप लोगों की, आप तो सारी जिंदगी बातें करते रहोगे, है ना, बातें करने वाले बच्चे पसंद ही नहीं मेरे को। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ मैरिज वर ब्राइड ग्रूम, ये सब हमारे कौन सा वाला इंडिया था वो, क्या कहते हैं उसको, वैदिक एज, वैदिक एज से लिया गया है कि हमारे पुराणों में और ग्रंथों में जो अलग अलग तरह की शादियां लिखी गई हैं उनमें से कौन सी शादी है जिसमें गाय और बैल गिफ्ट में दिए जाते हैं? ठीक है, ये आंसर है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विवाह में दूल्हे को प्राचीन काल में दुल्हन के द्वारा गाय और बैल दिया जाता था? असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह, पिशाच विवाह या अर्श विवाह? अलग अलग तरह के विवाह बताए गए हैं, उनमें से कौन से तरह का विवाह है? सर हिंदी को ऑप्शन शो करो। अरे स्पेलिंग पढ़ लो बेटा, इतने तो पढ़े लिखे हो ही कि बिल्कुल ही हिंदी चाहिए, मैं तो पढ़ के भी बता रहा हूं। असुर, रुको यहां देख के पढ़ता हूं, असुर, प्रजापत्य, पिशाच, अर्श। लो अगर आपको ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दिखाते हैं हिंदी वाले के लिए यार। लो, असुर, प्रजापत्य, पिशाच, अर्श। अच्छा आपके पढ़ने से पहले का, अच्छा माफी माफी माफी, आई एम वेरी वेरी सॉरी। डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वेश्चंस भी आएगा क्या IPUCET? डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वेश्चन, बाहर हो सकता आ जाए। रीफ्रेम करके एक बार दोबारा पूछो बेटा, हो सकता है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, मैं मजाक में डाल दूं। मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया, थोड़ा डिटेल में बताओ, क्या पता मैं और अच्छे से बता दूं आपको। क्वेश्चन नहीं, क्वांट्स पूछा। अच्छा डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर क्वांट्स आता है क्या, बताओ सर? डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वांट्स आता है? नहीं आता बेटा, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वांट्स नहीं आता। मेरी रीडिंग स्किल खराब है बेटा, मेरे को चश्मा भी लगा हुआ है, तो बूढ़ा समझ के माफ कर देना, बूढ़ा आदमी है, चश्मा लगा हुआ है बेचारे के, नहीं पढ़ा जा रहा उससे। इसका आंसर है अर्श, अर्श विवाह। अरे यार बहुत छापा है इसमें ना,
हर बार ये लेके आओ पेन, हर बार हटाओ इसको. What was the important provision of Second Factory Act 1891? Second Factory Act का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? पहला, reduction of working hours, कि घंटे कम किए जाएं पुरुषों के काम करने के लिए. Workmen's compensation, कि उनको compensate किया जाए, उनकी कमाई वगैरह का मुआवजा दिया जाए. Provision of weekly holidays for all workers, सबको weekly holidays दिया जाए, हफ्ते में एक आध बार, जिसको हम क्या कहते हैं, साप्ताहिक छुट्टी. और रेगुलेशन ऑफ वर्कर्स वेजेस, कि वर्कर्स को जो वेजेस दी जाती हैं उसको हम रेगुलेट कर दें, उसको ठीक कर दें. रेगुलेट का मतलब होता है सारा नियमबद्ध कर दें उनको. 18 का ए सी ए सी 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 ए सी सी सीमेंट. नींव करे मजबूत. सर आज टी शर्ट नहीं पहनी. नहीं बेटा नहीं पहनी, दिखाऊं? ये देख लो, नहीं पहनी बेटा, माफी, नेक्स्ट टाइम पहनाऊंगा. लो आ गई पायल. हाँ वेलकम करो इसको. मेरी पायल आ गई बेटा, मेरी पायल आया तो डब्बे में पैक करके दे दो, आगे देने का काम आएगी. ओके, सेकंड फैक्ट्री, सेकेंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में क्या किया गया था, कि वर्किंग आवर जो है उनको रिड्यूस किया गया था, कि भैया घंटे जो है बहुत ज्यादा ना हो, काम करने लायक हो. ओके, रियोतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन बनता आपसे. रियोतवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? महालवाड़ी, रियोतवाड़ी और प्रेसिडेंसी सिस्टम, ये सब आपसे पूछा है. धन्यवाद धन्यवाद, पढ़ाई पे ध्यान दे दो बेटा. रियोतवाड़ी, मुर्नो, यस मुर्नो, मुर्नो इज द राइट आंसर. मुर्नो ने स्टार्ट किया था. नेक्स्ट है हमारे पास निशात गार्डन बिल्ट बाय. निशात गार्डन किसने बनाया है? निशात गार्डन वाला तो नीचे चला गया यार, कोई बात नहीं, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ. निशात गार्डन किसने स्टार्ट किया है? बाबर, जहांगीर, शेरशाह या शाहजहां, किसने स्टार्ट किया निशात गार्डन? कॉलेज में जाके क्या होगा बेटा तुम्हारा? शेर शाह, उसके बाद सोचने वाला इमोजी, उसके बाद कर रहे हैं सारे सी, सारे शेर शाह बता रहे हैं, तो फिर गलत कैसे हो सकता है ना? क्योंकि ऑडियंस पोल तो सही होता है ज्यादातर. कौन बनेगा करोड़पति, देखा हमने, शेर शाह इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, In which of the following provisions was Congress Ministry not formed under the Act of 1935? इसको थोड़ा अच्छे से बताया तो मैं आपको हिंदी में. निम्नलिखित में से किस प्रांत में 1935 के अधिनियम के तहत कांग्रेस मंत्रालय का गठन नहीं किया गया था? 1935 में बहुत सारे प्रोविंसेस में कांग्रेस की एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी, लेकिन नीचे लिखे गए कौन से प्रांत में एक्ट ऑफ 1835 के अंदर कांग्रेस का मंत्रालय नहीं बनाया गया? बहुत बढ़िया बेटा, अलग अलग आंसर दो तभी मैं करेक्ट करूंगा ना. गलत गलत आंसर दो, आज गलत दो कल सही होगा, आज सही होगा तो भी कल सही होगा. बहुत सही, जिन बच्चों ने कहा पंजाब, अरे यार कितना काम करना पड़ता है मेरे को बताओ. पंजाब एकदम सही आंसर है. अच्छा अब बताओ मनसब क्या बला थी, हम पूछते हैं ना मनसबदार, मनसब क्या बला थी? पीस ऑफ लैंड, क्या ये जमीन का टुकड़ा था, या एक रैंक थी ओहदा, या एक ऑफिस था, एक ऑफिस, ऑफिस तो देख लेते हैं ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं, कार्यालय, या फिर ये एक पे ग्रेड था. पे ग्रेड मतलब इसके अकॉर्डिंग पैसे वैसे मिलते थे, वेतन का एक ग्रेड था ये, क्या था ये? कैसे हो सब लोग? और उसके बाद इतना पसीना आया रश्मि राज को. रैंक, बिल्कुल जो बच्चे बता रहे रैंक,
बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देख रहे हो बात तो में एकदम 22वें क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, आज तो एकदम अलग ही स्पीड चल रही है हमारी। नेक्स्ट हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट डू नॉट एसोसिएट विद द शुंग। यहाँ पे विद डालना रह गया हमारा, जल्दबाजी का काम ऐसा ही होता है जब आपके पास क्वेश्चन है लेकिन उसको बोर्ड पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम विद डाल देंगे। इनमें से कौन सा शुंग डायनेस्टी थी उसके साथ हम एसोसिएट करते हैं, बताइए। बाईस लेते हो, 23वें पे आ जाओ, ब्राह्मण्स। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम कत्ल कर दिया, कत्ल एकदम क्वेश्चन का कत्ल ही कर दिया। यस करेक्ट आंसर है ब्राह्मणास। शुंग जो है वो ब्राह्मण कहते थे अपने आप को, इसी तरह से। ओके, द फर्स्ट मुगल बिल्डिंग टू हैव बीन बिल्ट एंटायरली ऑफ मार्बल, इसमें से कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जो पूरी तरह से मार्बल से बनी है, जैसे ताजमहल थी, लेकिन पहली कौन सी ऐसी बिल्डिंग है? क्या ताजमहल वो पहली बिल्डिंग थी इंडिया के अंदर जो पूरी तरह से मार्बल से बनी थी, या उससे पहले भी कोई बिल्डिंग थी ऐसी? ताजमहल, बच्चे बता रहे ताजमहल। हाँ बच्चे पूछ रहे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे, मैं कैसे बता दूं? मैंने थोड़ा सा पेपर बनाया है आपकी हेल्प करने के लिए, हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर इनमें से कोई आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन के साथ एसोसिएट करके आप दूसरे क्वेश्चन सीख सकते हो। एक क्वेश्चन जिसमें आपको कंफ्यूजन है उसके बारे में रिसर्च करिए, उसके बारे में चार चीजें नहीं पता चलेंगी जो हो सकता है आपको कहीं आ जाए इधर उधर। लेकिन मैं कहूं कि इन्हीं 55 क्वेश्चन में से आपका पेपर बना है तो फिर ये तो पेपर लीक करने वाली बात होगी, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मैं जेल हो जाऊंगा यार, कैसी बातें करते हो। हुमायूं टूम मार्बल से कहां बना बेटा? हुमायूं टूम तो मार्बल से बना ही नहीं है, इसका आपने नाम पहले पता नहीं सुना ही नहीं सुना, इत्माद उद्दौला टूम, सिराज उद्दौला, इत्माद उद्दौला। इत्माद उद्दौला की टूम्ब वो पहली बिल्डिंग थी, पहला स्मारक था भारत में जो पूरी तरह से मार्बल से बना था, उसी से इंस्पिरेशन लेके हमारी बनी है ताजमहल। ओके, हु वाज द अफगान रूलर ऑफ इंडिया हुज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वाज एम्यूलेटेड बाय ब्रिटिश, अंग्रेजों ने भी इसके रूल का अनुकरण किया है, तो कौन सा रूलर है वो? बहुत रिस्क है बेटा, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो आज गलत करो तो कल सही होगा, आज सही होगा तो भी कल सही होगा, पेपर में सही होने से मतलब है आगे, यहाँ गलत कर दो जितने करने हैं, कोई टेंशन ही नहीं यहाँ गलत करने की। बहुत बढ़िया, ये दूसरा ऐसा आंसर है जिसमें शेर शाह आंसर है इसका, मतलब दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें शेर शाह आंसर है, नाइस। तो इसमें हमारा शेर शाह आंसर है, शेर शाह के रूल को इन्होंने एमुलेट ब्रिटिश लोगों ने पालन करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बुद्धिज्म वाज प्रोपगेटेड आउटसाइड इंडिया, तो भारत के अलावा सबसे पहले बुद्धिज्म किस जगह पे पहुंचा, तो ऑप्शन याद कर लो क्योंकि एक बार में दो ही दिखेंगे, श्रीलंका कंबोडिया या थाईलैंड या चाइना, श्रीलंका या कंबोडिया या चाइना या थाईलैंड, ऑप्शन उल्टे सीधे लिखे। हाँ बेटा जल्दबाजी का काम है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और हम शैतान के मामा जी हैं। इंडिया के बाद सबसे पहले किसी जगह पर जाकर अगर बुद्धिज्म को प्रमोट किया गया तो क्या वो चाइना था या थाईलैंड था या श्रीलंका था या कंबोडिया था? रीड ओनली मेमोरी सर जी, नाइस। चाइना नहीं है आंसर इसका, इसका आंसर है बेटा, इस पर लिखा भी नहीं है, पिछले वाले पेज पे चला गया, बट कोई बात नहीं हम यही लिखते हैं, श्रीलंका में अशोका ने भेजा था सबसे पहला एक्सपेडिशन बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, ठीक है। धम्म महामात्रा भेजे गए थे श्रीलंका में सबसे पहले इंडिया के बाद। व्हाट वाज द एजेंडा ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930-1932? दिस इज समहाउ रिलेटेड टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय
नीलमणि पांडे सर, उन्होंने आज एक क्वेश्चन किया था, उसे किसी तरह से रिलेटेड है। उन्होंने 1928 का क्वेश्चन किया था, मैं आपसे 1932 का क्वेश्चन कर रहा हूँ, रिलेटेड है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है। आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म को जानने के लिए या उसको डिस्कस करने के लिए बुलाया था, या साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, या फिर कम्युनल प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए, या फिर डिसाइड अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया एक्सेप्टेबल टू ऑल पार्टी, क्या सब लोगों को भारत का संविधान एक्सेप्टेबल है या नहीं है, ये डिस्कस करने के लिए। पहली बात तो ये सोचोगे कि यार 1932 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी था। सर ये नीलमणि पांडे तीन लोगों के नाम है क्या? नहीं सर, हमारे सर का नाम है पॉलिटिकल वाले सर, तो हमसे पहले जिन सर ने क्लास ली है उन सर का नाम है नीलमणि पांडे सर। साइमन गो बैक, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, यही है, यही तो बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। साइमन कमीशन इंडिया आया था 1928 में, जिसके बाद हमने 1931 के आसपास गांधी जी ने चलाया था दांडी मार्च, और उसके बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई थी। यही वो टाइम है जब अंबेडकर जी के साथ उनकी लड़ाई हुई थी और उसके बाद पूना पैक्ट साइन करना पड़ा था। एक क्वेश्चन में से कितनी चीजें निकलती है। Who of the following was not involved in the incident related to throwing a bomb in Central Legislative Assembly 8th April 1929? ये चीज आपको सबको याद होगी कि भगत सिंह जो है, सर हम बस आपकी क्लास रहते हैं, बहुत बढ़िया बेटा, ये तो कमाल, इतना आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर रहे, धन्य हो जाऊं मैं एकदम, बस बना रहे आशीर्वाद, बाकियों की भी क्लास ले लो, बाकियों को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए। So, इनमें से कौन सा इंसान हमारे पार्लियामेंट के ऊपर, हमारी पार्लियामेंट नहीं मतलब अंग्रेज उस समय पे पार्लियामेंट में बैठा करते थे, तो उनके ऊपर बम गिराने में शामिल नहीं था, कौन से शामिल नहीं थे? नॉट इन्वॉल्व। बच्चे क्या करते हैं, नॉट भूल जाते हैं, नॉट दिखता ही नहीं उनको, ये नॉट जो है ना ये KNOT गांठ बन के बैठ जाएगा आपके नंबरों में, तो इसको एकदम नॉट बांध के देख लो, गांठ बांध के देखना जहां भी देखना कि हाँ भैया है कि नहीं है। इनमें से कोई ऐसा है क्या? देखो नन ऑफ द अबव तो पहले गलत हो गया, क्योंकि हमें पक्का बताया कि भैया सरदार भगत सिंह तो थे ही थे, बाकी दोनों में देख लो कौन से नहीं थे, बाकी दोनों भी इजी है। जो बच्चे बता रहे हैं खुदीराम बोस, उनका बहुत सही है, एकदम करेक्ट है, ये उसमें शामिल नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट को हिंदी में क्या, चरमपंथी। बहुत बढ़िया भाई साहब, गूगल इतना अच्छा ट्रांसलेट कर देगा, पता नहीं था मेरे को। चरमपंथी या गरम दल वाले जो हैं उनसे रिलेटेड क्या चीज सही नहीं है? दे हैड डीप फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मासेस, कि उनको जनता की शक्ति में बहुत विश्वास था। They hated foreign rule, उन्हें विदेशी रूल से नफरत थी। They were convinced that India could progress under the benevolent guidance and control of English, कि वह अंग्रेज के उदार मार्गदर्शन और नियंत्रण के तहत प्रगति कर सकते हैं। या they pressed for direct political action, proposed होगा मेरे ख्याल से कि डायरेक्ट कार्रवाई के लिए उन्होंने ऐसा प्रपोज किया। मुझे बहुत डर लग रहा है एग्जाम को लेके। क्यों लग रहा है बेटा डर? काहे डर लग रहा है? डरना मना है, कल एग्जाम है, आज डरोगे, सारी जिंदगी पड़ी है डरने के लिए। एग्जाम से नहीं डरना बेटा, यहाँ नहीं होगा कहीं और होगा, कहीं और नहीं होगा तो कहीं और हो जाएगा, टेंशन क्या लेनी, एक एग्जाम ही तो है, डरना वरना नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी में भी ट्राई कर सकते हो बेटा, मैं तो बहुत जगह ट्राई कर सकता हूँ, लोग तो मेरे को पता नहीं कहते सर कहाँ कहाँ ट्राई कर लो, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, अपने मुंह से को अपनी तारीफ कर रहा हूँ, देख लो। ऑयल भाई मेरे मुड़ते ही सबसे पहले उसका कमेंट आता है, ऐसे तो मैं ये भाई ओपी भाई के भी कमेंट पढ़ता हूँ ना, और राम राम जी भी पढ़ता हूँ मैं सारे,
कितने क्वेश्चन है इसमें टोटल? 55 क्वेश्चन है बेटा, और कोशिश करेंगे 1 घंटे के अंदर अंदर निपटा दें। सो इसमें क्या चीज है, देखो एक्सट्रीमिस्ट कभी भी ये नहीं कहेंगे कि हाँ अंग्रेजों का बहुत ज्यादा बेनेवोलेंट यानी कि उदार रूल था, हम उनके अंडर रह के बहुत तरक्की कर सकते हैं। तो सी जो है एकदम गलत आंसर है, तो इसका आंसर सी है। ओके, द नेशनलिस्ट लीडर इंक्लूडिंग तिलक सपोर्टेड द वॉर एफर्ट ऑफ 1914 ऑफ द गवर्नमेंट। देखो हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रीय नेता थे, जो एकदम बहुत बड़े कद के नेता थे जिसमें लोकमान्य तिलक भी शामिल थे, उन लोगों ने अंग्रेजों का 1914 में वॉर में पार्टिसिपेट करना और उसमें भारतीयों का उनका उनका साथ देना, इस चीज का समर्थन किया था तिलक ने भी और कई और भारतीय राजकीय राष्ट्रीय नेताओं ने। तो ये क्यों किया था, ठीक है, क्यों किया था या क्यों नहीं किया था होना चाहिए? पहला है आउट ऑफ द सेंस ऑफ लॉयलिटी, कि हमें बहुत ज्यादा लॉयलिटी थी उनके लिए, इस वजह से हमने किया था। सेकेंड है बिकॉज ऑफ देयर सिंपथी विद ब्रिटिश कॉज, कि हमें बहुत सहानुभूति थी उनके साथ कि लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना साल हम हमारे साथ रही हैं, भले जैसा मर्जी रूल किया हो लेकिन कुछ तो हेल्प करनी चाहिए। और भारतीय जो है वो जर्मनी को बहुत ज्यादा नफरत करते थे इसलिए, या फिर इन द बिलीव दैट ग्रेटफुल ब्रिटेन वुड रीपे इंडियाज लॉयल्टी विद ग्रेटिट्यूड, कि जो ये लोग हैं ये बहुत आभारी हो जाएंगे हमारे कि इंडिया ने इतना हमारा साथ दिया तो हमें भी इनके साथ इतना साथ देना चाहिए। क्या रीजन था इसके पीछे, क्यों हमने सपोर्ट किया? मत देखो बेटा, कोई डिस्ट्रैक्ट ना करना पाए आपको। ये क्या पायल 2.0 भी आ गई है क्या इसमें? मैं एक ही इंसान हूं बेटा, मैं ऐसे दो फाड़ होकर अलग अलग नहीं चलता, मेरी दोनों टांगे अलग डायरेक्शन में नहीं जाती, मैं सिंगल ही हूं। देखो जिसको पढ़ना है ना वो इधर उधर के फालतू कमेंट पे ध्यान मत दो, वो स्क्रीन देखो, अपना आंसर टाइप करो, दैट्स इट। कॉपी खोल के रखो अपने पास, पेन अपने पास रखो, जो आंसर आपको आता है वो बहुत बढ़िया, जो नहीं आता है वो फटाफट से लिख लो। डी शुड बी करेक्ट, डी क्या है हमारा, कि अंग्रेज लोग हमें आजादी दे देंगे ये सोच के कि भैया इन लोगों ने बड़ा साथ दिया हमारा या कुछ ऐसा। हाँ सोचो तो ये था, यस, यही सोच के कि अगर हम इनकी आज सहायता करेंगे तो हो सकता है इनको समझ में आ जाए कि हम भारतीय जो है वो काफी डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं हम सारे के सारे, तो हमें कुछ फ्रीडम फ्रूडम कुछ ऐसा थोड़ा बहुत दे दिया जाए। ओके, मुगल शासन जब तक औरंगजेब था तब तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहा, उसके बाद क्या हुआ कि जितने भी अलग अलग तरह के हमने सूबे बना रखे थे, यानी कि लाइक पूरे ऐसे बड़े से स्टेट को अलग अलग सूबों, यानी कि जैसे अभी स्टेट्स में डिवाइड किया है, उस समय पे सूबा कहा जाता था, सूबों में डिवाइड किया था, तो उसका गवर्नर यानी कि सूबेदार जिसको भी बनाया जाता था, वो औरंगजेब के बाद उन्होंने क्या किया, एक ट्रेंड चलना स्टार्ट हुआ कि अपने सूबे को अलग करके इंडिपेंडेंट बना लिया कि मुगल रूल में है ही नहीं, हम ही रूल करेंगे। तो ये कहां स्टार्ट कहां हुआ था, क्वेश्चन बढ़िया है मेरे, मैं भी बढ़िया हूं बेटा। इसके बाद कोई क्लास है? हाँ है बेटा है, कौन सी क्लास है सर इसके बाद? इंडिया एट ओलंपिक इसके बाद क्लास है, तो अगर आपको जानना है कि हमारे इंडिया में क्या ओलंपिक में तीर मारे हैं, ठीक है, सिर्फ एक इंसान का नाम आप सबको याद है लेकिन हो सकता है उस इंसान का नाम आपसे पूछा ना जाए। इस समय भी ओलंपिक चल रहे हैं, पैरा ओलंपिक, बट वो ऑब्वियसली आपके पेपर में नहीं आएगा क्योंकि पेपर बन चुका आपका। चलो फटाफट से आगे बढ़ते हैं, किसके टाइम में ये सब स्टार्ट हो गया था, किसके टाइम में लोगों ने अलग होना स्टार्ट कर दिया था, अलग अलग सूबों ने अलग होना स्टार्ट कर दिया था? तो इसका आंसर है मोहम्मद शाह, और इसका पूरा नाम रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे लोगों को पता चल गया था कि ये भाई से कुछ नहीं होने वाला, ये ना रोकता हमें, ये इसके पास अपने करने के लिए बहुत काम है। Identify the case where the members of Hindustan Republican Party were involved. Hindustan Republican Party में कौन लोग involved, मतलब कौन सा कांड किया था उन्होंने? अलीपुर साजिश, दिल्ली साजिश, काकोरी केस, चटगांव शस्त्रागार छापे।
ये मुझे जहां तक याद है कुछ दिनों पहले अनुपम सर करा रहे थे ऐसा कुछ, नीरज चोपड़ा जिंदाबाद यस, लेकिन उसके चक्कर में बाकियों को नहीं भूलना जो अपनी पूरी कोशिश वहां पे करके आए हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी उनका। फॉर एग्जाम्पल हमारी एक शूटर थी, उससे हमारी उम्मीदें थी, एंड मोमेंट पे उसकी बंदूक खराब हो गई। और भी सभी लोग मेहनत करके पहुंचते हैं बेटा वहां पे, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जो जीत गया है उसकी आप तारीफ करो और बाकी को भूल जाओ, तो सभी लोगों के नाम आपको पता होना चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट बनती है। ओके, ये नहीं पता तो ये बता देता हूँ मैं, काकोरी केस से रिलेटेड है ये। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी जो है इसके कुछ एक मेंबर्स थे, उन्होंने सोचा था कि हम रेवोल्यूशन लेके आएंगे, जैसा रशिया में हुआ था रशियन रेवोल्यूशन अगर आपने पढ़ा हो तो, वहां पे हथियार की मदद से उन लोगों ने सरकार हटा दी थी। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही प्लान था कि धीरे धीरे करके रेवोल्यूशन लेके आएंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि हथियार थे ही नहीं, तो हथियार नहीं थे तो हथियार आएंगे कहां से? हथियार लाने के लिए चाहिए पैसे, और पैसे कहां से आएंगे? तो एक बार एक मेंबर थे इसके जो जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ट्रेन में यार पैसे ऐसे जाते हैं, संदूक वंदूक लेके जाते हैं यार ट्रेन से, और उसके लिए कोई बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी नहीं है। तो इन लोगों ने उस ट्रेन के अंदर बैठे और काकोरी में जाके वहां पर ये लूटने की कोशिश की, हालांकि लूट नहीं पाए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। और वहां पे एक चादर छोड़ाए थे जिस चादर पे धोबी का निशान था, उससे बेचारे पकड़े भी गए थे, केस चला था, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट वगैरह हो गया था। सो द मुस्लिम किंगडम ऑफ गोलकोंडा ग्रू अप ऑन द रुइंस ऑफ द ओल्ड हिंदू किंगडम ऑफ गोलकोंडा। का जो रूल था उसमें, उससे पहले गोलकोंडा से पहले एक हिंदू रूल चला करता था, गोलकोंडा में जो मुस्लिम रूल था वो एक हिंदू रूल के ऊपर आके, मतलब हिंदू रूल हट गया था और वहां पे वो आके रूल करने लग गए थे। तो कौन सा था सिंपली ये पूछ रहे, गोलकोंडा से पहले कौन रूल करता था वहां पे? मैं इलेक्शन लड़ू क्यों भाई, किस बात पे इलेक्शन लड़ू मैं? कौन सी जगह का इलेक्शन लड़ू? किसका सेंटर मेरठ है, राजकुमार गोयल इंस्टीट्यूट में? बेटा यहाँ पे देखो 70 बच्चे बैठे हैं, उनमें से तो किसी का नहीं होगा। जहां तुम्हें ऐसा 1,500-2,000 बच्चे मिले तो वहां पे आपको हो सकता कोई ऐसा मिल जाए। बाय बेटा, बाय बाय। वारंगल, यस वारंगल इज द करेक्ट ऑप्शन। नहीं यार कितना काम करवाते हैं मुझसे, वारंगल इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो जी, मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मनी इंट्रोड्यूस की थी, वो टोकन मनी कौन से धातु से बनी थी? पीतल, पीतल कांसा या तांबा या निकल? पतली गली से निकल। मुगल्स वर गुड और बैड, अब ऐसे कैसे बता दूं गुड बैड? ऐसे दुनिया ऐसी नहीं है बेटा कि आप ऐसा सीधा सीधा बता दो कि ये अच्छा है ये बुरा है, किसी के लिए अच्छे थे किसी के लिए बुरे थे। दुनिया को आप व्हाइट एंड ब्लैक में ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते, दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ग्रे कलर्स मौजूद हैं, वो भी दुनिया भर के 50 शेड्स ऑफ ग्रे है दुनिया में, ज्यादा ही होंगे। इसके बाद PYQ इंग्लिश की क्लास थी, ऐसा कुछ है क्या? PYQ क्या चीज है सर? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश, बच्चे बैठेंगे रात को 10 बजे? चलो सर कह रहे हैं कि अगर बच्चे रुकेंगे तो करवा देंगे सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा देंगे, बट ओलंपिक्स वाली क्लास है इसके जस्ट बाद, और अगर सारे बच्चे बैठेंगे तो उसके बाद भी सर क्लास ले देंगे। देख लो मेहनत देखो सर की हमारे, देख रहे हो यहाँ रात को यही बिस्तर डाल के सोएंगे ये, या हो सकता सोए भी ना, शेड्यूल यही आया था बेटा, लेकिन ऊपर नीचे हो जाता है ना कभी कभी, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है। चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर है ब्रॉन्ज, सोने को हटा के सोने की जगह पीतल की मुद्राएं इसने जारी की थी, लेकिन आइडिया फेल हो गया एकदम। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएटेड वो फाउंडेड इन द ईयर, अच्छा हिंदुस्तान रिपब्लिकन रिपब्लिकन एसोसिएशन कौन से साल में चालू हुआ था? थैंक यू सर टू मच, वाओ बैठ जाएंगे बच्चे सर, तसल्ली दे रहे हैं बच्चे आपको, बच्चे बैठ जाएंगे, नहीं लेट के भी क्लास ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये है कि लाइव आ जाना। पढ़ा हुआ है बट स्टिल लग रहा है कि नहीं होगा मेरा एडमिशन इसमें, ऐसे सोच के मत जाओ बेटा, इसमें नहीं होगा तो किसी और में होगा, जिंदगी बहुत बड़ी है,
अगर आप देखो दुनिया के सारे बड़े बड़े आदमी, वो सिर्फ एडमिशन के बेस पे उनकी जिंदगी नरक थोड़ी ना हो गई है। एक जगह एडमिशन नहीं होगा तो अपने आप को इतना टैलेंटेड बना लो कि जिस जगह जाओगे वहां पे कर लो। मेरा एडमिशन, अब मैं 26 साल का हूँ, मैं अभी भी बीएड कर रहा हूँ, मैं आपके बैठ के रोऊं अपनी जिंदगी, क्योंकि मेरा पहले में एडमिशन नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया। बहुत बार सब किस्मत पे डिपेंड करता है, तो अगर आपकी किस्मत में होगा जरूर मिलेगा, किस्मत में नहीं होगा तो उसको बैठ के रोना नहीं है बेटा, नई जगहें तलाशनी है। फिर कितने क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट से करते हैं, 35 हो गए हमारे, फटाफट से भागते हैं। चलो अब मैं बिना रुके क्वेश्चन पढ़ूंगा, बिना रुके। इसका आंसर है 1924। द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई द एक्ट ऑफ। सेपरेट इलेक्ट्रेट किस एक्ट के द्वारा लाया गया था? सेपरेट इलेक्ट्रेट कौन सा वाला है? देखो एक तो वो है जिसमें जो बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग, एक सेपरेट इलेक्ट्रेट है जो बी आर अम्बेडकर और मुस्लिम लीग मांग रहे थे कि हम आजाद होने के बाद लाएंगे। एक सेपरेट इलेक्ट्रेट है जो अंग्रेज लाए थे 1909 में, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अंतर्गत लाया गया था कि हिंदूज और मुस्लिम जो है उनके आपस का कॉमन लिंक खत्म कर दो, उन दोनों को दिखाओ कि वो लोग अलग अलग हैं। इसी नीति के तहत बंग भंग भी किया गया था जब बंगाल का बंटवारा कर दिया गया था दो पार्ट में, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और इस नीति के तहत बहुत नुकसान हुए थे इंडिया के। प्रोटेस्ट करके हमने वापस से जुड़वाया था बंगाल। खिलाफत मूवमेंट वॉज ऑर्गेनाइज बाय अली ब्रदर्स, खिलाफत मूवमेंट अली ब्रदर्स ने चलाया था, उसके पीछे का रीजन क्या है वो बताना है आपको। क्या वो कम्युनल पॉलिसीज, यानी कि कम्युनल को हिंदी में क्या कहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दे, यानी कि दो धर्मों को आपस में लड़ाने वाले मुद्दों के खिलाफ था, या फिर ये ब्रिटेन जो टर्की के साथ कर रहा था उसका प्रोटेस्ट हम इंडिया में कर रहे थे, या फिर कांग्रेस के मुस्लिमों के साथ उनकी डिमांड ना मानने वाले एटीट्यूड के खिलाफ था, मतलब कि कांग्रेस वाले बड़े एटीट्यूड दिखा रहे थे और मुस्लिमों की डिमांड नहीं मान रहे थे, इस वजह से इन्होंने खिलाफत मूवमेंट किया था, या फिर ऊपर के सारे रीजन थे। और बिना रुके इसका आंसर देते हुए, इसका आंसर था कि टर्की में जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे उसके खिलाफ था। अब टर्की में ऐसा क्या कर रहे थे मैं बताता हूं आपको। टर्की में क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, खिलाफत मूवमेंट हो रहा था 1919 में। क्यों हो रहा था? क्योंकि 1918 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था। वर्ल्ड वॉर वन में ऑटोमन एम्पायर हार गया था, ऑटोमन एम्पायर और हारने वाली पार्टी में था, ब्रिटिश जीतने वाली पार्टी में थे। ऑटोमन एम्पायर कहां पे था? जो प्रेजेंट डे टर्की है वहां पे था। इनके रूलर को क्या कहा जाता है? इनके रूलर को कहा जाता है खलीफा। ऑटोमन एम्पायर के रूलर को कहा जाता था खलीफा। ये ना सिर्फ एक पॉलिटिकल पोस्ट है बल्कि एक रिलीजियस पोस्ट भी थी। ब्रिटिश लोगों ने जीतने के बाद टर्की के सामने डिमांड रखी कि आपको ये खलीफा की पोस्ट खत्म करनी होगी, और इस बात पे पूरी दुनिया के मुस्लिम भड़क गए थे कि आप धर्म के मामले में क्यों आ रहे हो, पॉलिटिकल रहो ना, ठीक है हम हार गए इसका मतलब ये थोड़ा ना हमारे धर्म में इंटरफेयर करोगे। अरे धीरे 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 फिर चेंज हो गया। हिंद स्वराज की बुक किसने लिखी थी? तो हिंद स्वराज लिखी थी हमारे महात्मा जी ने, गांधी जी ने लिखी थी। अरे हट जा भाई, हिंद स्वराज लिखी थी गांधी जी ने। खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1990 इन द सिटी। खिलाफत कहा, खिलाफत मूवमेंट के लिए खिलाफत कमेटी बनाई गई, कहा बनाई गई थी? तो यह बनाई गई थी बॉम्बे में, खिलाफत कमेटी बनाई गई थी बॉम्बे में। द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट, इनको गांधी जी ने एक कर दिया ये दिखाने के लिए कि हमारा मूवमेंट बहुत बड़ा है। अंग्रेजों को लगे कि भाई साहब ये तगड़ा मूवमेंट है, इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दे। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था जनवरी 1921 में। ये मूवमेंट खत्म कब हुआ था? ये मूवमेंट खत्म हुआ था 1922 में। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, इसकी वजह से अभी रीजन नहीं बताऊंगा इसके हटने का। अच्छा यही वाला है। Which of the following was the reason for falling off the non-cooperation movement? यानी कि non-cooperation movement जो 1921 December 19 January 1921 में start किया गया था, उसको बंद करने का reason क्या था? तो उसको बंद करने का reason था ये चौरा चौरी incident।
चौरा चौरी यूपी, बिल्कुल ईस्टर्न यूपी, एकदम बिहार के बॉर्डर के पास एक जगह है, वहां पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस वाले, अंग्रेज पुलिस वाले आके उन पर लाठीचार्ज किया। अब भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा थी और उनको कंट्रोल करने वाला कोई ऐसा लीडर वगैरह था नहीं, उन लोगों ने कहा कि अच्छा अच्छा हमको बताओगे तुम लोग, हम पे लाठीचार्ज करोगे। उन लोगों ने ना सिर्फ अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के पीटा, बल्कि जब अंग्रेज अपने आप को बचाने के लिए पुलिस स्टेशन में घुस गए तो उस पुलिस स्टेशन में भी आग लगा दी, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी ने कहा कि बहुत ज्यादा वायलेंस हो रहा है, तो ये तो ऐसा चल नहीं पाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पर वायलेंस हुआ था, तो ये लेकिन वो होता ना कि एक द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, वो वाला सीन बना। ओके, बाबा रामचंद्र असन्यासी वाज द लीडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, बाबा रामचंद्र इनमें से कौन सी जगह पे या किस चीज को लीड कर रहे थे बाबा रामचंद्र? तो इसमें से आएगा आंसर पेजेंट्स मूवमेंट। बाबा रामचंद्र अवध में बहुत ज्यादा एक्टिव थे, अवध डिस्ट्रिक्ट था जहां पे बेगम जी रूल किया, बेगम जी ने लीड किया था हमारा 1857 का रिवोल्ट, उस समय अवध या औध दोनों में से किसी को कुछ भी कहा जाता है। औध किसान सभा किसने लूट की थी? तो एक नाम तो आपको पता चल गया, बाबा रामचंद्र, और बाबा रामचंद्र यहाँ पे एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने इंटेंसिवली विजिट किया था बाबा रामचंद्र अवध का जिला, इसके इफेक्ट अभी भी दिखते हैं। गांधी नेहरू परिवार अभी भी बहुत ज्यादा फेमस है, अभी रिसेंटली उन्होंने अमेठी से, जो यूपी में एक जगह है, वहां से इलेक्शन लड़ने छोड़े हैं। हमारे प्रिय राहुल गांधी जी को वहां पे भी लग गया कि यहाँ भी दाल नहीं गलने वाली, तो वो केरला की सीट से इलेक्शन लड़े और अमेठी से हार गए। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ, 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था उसमें कौन सी ऐसी डिमांड है जो रखी गई जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने थे उस कमेटी के? जहां भी अधिवेशन होता है तो उस अधिवेशन का एक प्रेसिडेंट होता है, वायनाड सीट से। यस, वायनाड सीट से अमेठी से हार गए थे, वायनाड से जीते थे, क्योंकि वो एकदम पक्की सीट है, वहां से कोई भी कांग्रेसी आके लड़ेगा तो जीत जाएगा, तो उनको एकदम सेफ सीट से लड़ाया गया। अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर में एक कांग्रेस का सेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में, और उसमें ये डिसाइड किया गया कि अब से हम पूर्ण स्वराज ही मांगेंगे, क्योंकि इंडिया में इंडियंस को उन लोगों ने, अंग्रेजों ने डोमिनेंस स्टेटस ऑफर किया था। डोमिनेंस स्टेटस का मतलब क्या है कि आप लोग अपनी तरफ से अपना रूल चलाओ, अपना सारा कुछ बनाओ, लेकिन जैसे अभी एक वॉइसरॉय अंग्रेज यहाँ पे बैठा है, वैसे एक इंडियन वॉइसरॉय बैठेगा जो इंग्लैंड की क्वीन को ही रिपोर्ट करेगा। तो पहले ये लोग अगर टाइम पे दे देते तो शायद हम ये भी एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन 1929 में हम डिसाइड किया कि नहीं भैया ये भी नहीं चाहिए, हम खुद अपना रूल चलाएंगे, जैसे हमारी मर्जी होगी वैसे चलाएंगे और किसी को रिपोर्ट नहीं करेंगे, कहीं की भी महारानी हो। इसी के बाद दिसंबर 1929 में ये पूर्ण स्वराज डिस्कस किया गया और जनवरी 1930 को हमने अपने आप को डिसाइड कर दिया कि भैया हम इंडिपेंडेंट है। अच्छा, हमने खुद मान लिया कि हम इंडिपेंडेंट है, अब बस भगाना रह गया। किस दिन किया गया था? 26 जनवरी 1930 को किया गया था। यही रीजन है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अभी थोड़ी देर पहले आके आपको पॉलिटी वाले सर पढ़ा गए होंगे, 26 नवंबर 1949 थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, रुको, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार था, लेकिन उसे 2 महीने डिले करके 26 जनवरी को ही लॉन्च किया गया 1950। क्यों? ताकि 26 जनवरी 1930 जब हमने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था अपने आप ही, उस दिन को कमेमोरेट किया गया, किया जाए, यादगार बना दिया जाए। साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड इन इंडिया बिकॉज़, साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के क्या रीजन थे? आपस में बात करना शुरू कर दिया आप लोगों ने, आप से अभी दोस्ती नहीं हुई, कर लो। यस, बहुत बढ़िया बेटा, कृष्णा गुप्ता 2 साल 11 महीने 18 दिन बनके तैयार हुआ था, और ये 2 साल 11 महीने 18 दिन 26 नवंबर 1949 को ही पूरे हो चुके थे, लेकिन इसे जानबूझ के 2 महीने के लटकाया गया
ताकि हम उस दिन को कमेमोरेट कर पाए। क्वेश्चन है, साइमन कमीशन को इंडिया में बॉयकॉट क्यों किया गया? तो इसके पीछे रीजन ये था कि जब इंडिया में स्टार्टिंग के बहुत सारे बड़े बड़े विद्रोह हमारे यहाँ पे इंडिया में हुए, तो अंग्रेज लोगों ने भी सोचा कि क्यों हो रहे हैं। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट से इंडिया में एक कमेटी भेजी गई जो इंडिया के उस समय के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो अंग्रेजों का कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया वाला, उसको रिव्यू करेंगे। अब सोचो, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना है और उस कमेटी में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। तो इसमें क्या है, ये रहा, देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन, इस वजह से इसका विद्रोह हो रहा था। इसी की वजह से जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसी चीज को डिस्कस करने के लिए हुई थी, क्योंकि साइमन कमीशन जी जो है ये भारत में आए थे 1928 में। इसके बाद 1931 में विद्रोह हुआ, क्योंकि 1900, देखो सारी चीजें ऐसे बनाते जाओ, 29 में सेशन हुआ कांग्रेस का, हमने कहा पूर्ण स्वराज लेंगे, 1930 में डिक्लेयर कर दिया हमने कि भैया हम आजाद हो गए, 1930 के और 31 के बीच में दांडी मार्च हुआ, और फिर 31-32 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन यूज्ड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू शॉप और ऑफिसेस। जब हम रास्ते रोक देते हैं लोगों के, तो उसको क्या बोला जाता है? अरे बातें बातें छोड़ के पढ़ाई कर लो थोड़ी सी, आ तो तेज चल रहा हूं मैं तुम लोगों के कहने के अनुसार। हमेशा कहते हैं सर धीरे चल रहा, धीरे चल रहा, धीरे चल लो, आज तो बहुत तेज चल रहा हूं मैं, पढ़ाई कर लो पढ़ाई। ओके, इसको क्या बोला जाता है? जब हम किसी कारखाने, किसी दुकान, किसी कार्यालय के प्रवेश द्वार कोई बैठ के रोक देते हैं, मतलब 100 लोग आएंगे एक दारू के ठेके की दुकान के सामने बैठ जाएंगे, दारू मांगने के लिए नहीं, इसलिए कि लोग अंदर एंटर ना कर पाए और खरीद ना पाए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पिकेटिंग, धरना, धरना, ठीक है, धर लेते हैं हम उसके दरवाजे को। और धरना करने में कौन से भाई साहब बहुत ज्यादा एकदम उम्दा श्रेष्ठ कैटेगरी में आते हैं? आप सबको पता है मुख्यमंत्री साहब हमारे, बट अचीवमेंट्स भी हैं उनकी, तारीफ भी करनी चाहिए कभी कभी। दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने वाला शहर बन गया है, आज ही हमारे पास एक्सेस आई है, न्यूज आई है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे अगर किसी शहर में हैं तो दिल्ली में है, भले चलते हो ना चलते हो पर हैं। हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर से ही स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? कॉल कर लो, क्या चल रहा है ये, लाओ दो नंबर, तुम अपना यहीं पर बना दो इसको टेंडर। हु फॉर्म्ड स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर अंदर ही स्वराज पार्टी किसने बनाई थी? जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू? ना भाई ना, अब्दुल गफार खान नहीं, जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, इनकी तो आपस में बनती नहीं थी। सी आर दास एंड मोतीलाल, यस सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन लोगों ने अलग होके स्वराज पार्टी बनाई थी कांग्रेस के ही अंदर। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, इसके लिए कुछ बताने की जरूरत है क्या मेरे को? इसके तो आंसर बता दो, अब तो एकदम ऐसी स्पीड चल रही भाई साहब हमारी, नंबर अपना जो पब्लिक कर देगा ना उसके फोन नंबर पे इतने SMS बॉम्ब्स पड़ेंगे, देखते रहना अपने नंबर और सारा कुछ, दो दो मिनट में मैसेजेस आएंगे। फिर कोई नहीं पीछे पड़ने वाला पायल बेटा, सबको पता है, सबको पता है ये राज, राज की बात सबको पता है, पर कोई नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? डी आंसर देते रहे सारे, डी आंसर ही करेक्ट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन से रिलेटेड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। Which party did not boycott council election held in the year 1921? अभी कुछ दिन पहले, कुछ दिनों पहले कह रहा हूँ, कुछ questions पहले हमने पढ़ा था कि non cooperation movement और सहयोग आंदोलन 1921 में स्टार्ट किया गया था, जनवरी 1921 में,
जिसमें बोला गया था कि जितने भी लीडर्स हैं वो पार्टी इलेक्शंस यानी कि इंडिया में जो नाम के इलेक्शन उस समय हुआ करते थे उसे भी बायकॉट कर देंगे। एक पार्टी ने नहीं किया इसको बायकॉट, कौन सी पार्टी थी भैया, सोच के देखो कौन सी पार्टी होगी, कौन सी पार्टी ने बायकॉट नहीं किया था उस समय? बहुत बढ़िया, सही आंसर है ये, मुस्लिम लीग ने बायकॉट नहीं किया था। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म बेगार? बेगार से आप क्या समझते हैं? बेगार से आपको बेकार नहीं समझना है, बेगार और बेकार में फर्क होता है। अरे देखो ऑप्शन भी तो पढ़ के सुनाने चाहिए आपको। चलो एंड तक पहुंच गया ऑलमोस्ट, हमें काफी नजदीक पहुंच गया अंत के। बेगार श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय के बागान छोड़ने से रोकने का अधिनियम था, या प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिक की जबरन भर्ती करने के लिए बेगार कहा जाता था, या श्रम की ग्रामीणों को बिना किसी भुगतान के योगदान देने के लिए मजबूर किया जाता था, मजदूरों को बिना कुछ पैसे वैसे दिए उनको बोला जाता था कि चलो काम करो, या लोगों के साथ व्यवहार करने और संबंध करने से इनकार करना, लोगों के साथ एसोसिएट करने से मना करना, क्या था बेगार? तो अब तक आप समझ ही गए होंगे बेगार क्या था। बेगार था लेबर्स को बिना कुछ पैसे वैसे दिए बिना पेमेंट के काम करवाना, इसको कहा जाता है बेगार। और अभी के टाइम पे आपके फंडामेंटल राइट्स में ये चीज बोली गई है कि बेगार करवाना कानूनन अपराध है। नेक्स्ट क्लास कितने बजे? अभी 5 क्वेश्चन खत्म कर लूं तो उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी, एकदम मिनटों में, टाइम में देंगे आपको एकदम, कि आप अपना पोस्चर भी चेंज कर लो कि भैया चौकड़ी मार के बैठे थे, थोड़ा टांगे लंबी कर ले, उससे पहले ही शुरू हो जाएंगे, हम देखते ही नहीं हम बच्चे क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन मिस हो गया क्या? अरे कहाँ है भैया क्वेश्चन, तेरे आ गया धीरे धीरे से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज महात्मा गांधी नोवल मेथड ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश? महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा तरीका था अंग्रेजों से लड़ने का, शांतिपूर्ण तरीका, उसको क्या कहते हैं? अनुपम सर कहाँ है? यहीं पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं मेरे, बताओ। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे होंगे, जो लिखना लिख दो, लव यू शव यू जो लिखना सर को लिख दो। कौन सा तरीका था गांधी जी का? हाँ, तो इसमें हमारा तरीका था ये डी ऑप्शन, सरेआम कानून को का उल्लंघन किया और शांतिपूर्ण तरीके से किया और सत्याग्रह और अहिंसा से काम लिया। ये था गांधी जी का एक बहुत ही अनोखा अनूठा तरीका, जिसकी वजह से अंग्रेजों से उन्होंने लोहा लिया, मतलब सच में लोहा नहीं लिया उन्होंने, अंग्रेज मतलब छीन लिया और लोहा उनसे, मतलब फाइट की उनसे। What was the purpose of imposing Rowlatt Act? Rowlatt Act किस समय आया था? Rowlatt Act आया था non-cooperation असहयोग movement से पहले। Rowlatt Act के against था असहयोग movement। किस लिए आया गया? क्या मतलब था इसका? Rowlatt Act के अंदर Indians जो हैं वो अब IAS officer बन सकते थे, या फिर political partition Indians को participation नहीं दे रहे थे वो लोग, यहाँ आप नहीं लड़ सकते election में, या फिर एडिशनल टैक्सेस लगा रहे थे इंडियंस के ऊपर, या फिर इम्प्रिजन कर सकते थे इंडियंस को बिना रीजन बताए, बिना ट्रायल के। क्या है यह? क्या आखिरी क्वेश्चन है? 55वां, यस आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है। 51, 52, 53 क्वेश्चन नहीं हुए ऐसे, कैसे नहीं हुए? रुको पहले ये कर देते हैं, उसके बाद में 51, 52, 53 भी देख लेता हूँ। इसका आंसर है डी। रॉलेट एक्ट में क्या था कि गवर्नमेंट एक्ट लेके आई कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको, या जिनके ऊपर भी संदेह है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, उनको उठा के 2 साल के लिए जेल में डाल दो, ना उनको मौका दो अपने आप को नॉन गिल्टी प्रूव करने का, ना उनको कोई ट्रायल दो, ना कोई जजमेंट दो, डायरेक्ट डाल दो जेल में और 2 साल के बाद ही छोड़ो उनको। तो ये एक बहुत ज्यादा गलत कानून था जिसके विरोध में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन किया गया।
अब जरा बच्चों की खास डिमांड पे देख लिया जाए, क्या हमने 51, 52, 53 नहीं किया? किया था, 52 किया है, 53 भी किया है। अच्छा नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, छूट गया गलती से। ओके, सॉल्ट मार्च 12 अप्रैल 1930 कहाँ से चालू हुआ था? चालू कहाँ से हुआ था ये बता दो। सोनम गुप्ता बेवफा है तो मैं क्या करूँ फिर इसमें, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, है तो है, इसमें मैं क्या कर लूंगा, मैं पढ़ाई करवा सकता हूँ सिर्फ। स्टार्ट हुआ था साबरमती से, गया था दांडी तक, इसके बीच में डिस्टेंस था 24 मील का, नहीं 240 मील का, 24 दिन लगे थे टोटल, हर दिन 10 मील चले थे गांधी जी, जाने को एकदम ऐसा ट्रैक्टर ट्रेन या कुछ भी पकड़ के जा सकते डायरेक्ट, लेकिन हर दिन 10 माइल चलना, पैदल चलना और लोगों को साथ जोड़ना, ये तभी हो सकता है जब आप गांव गांव खुद जाओ और लोग देखे कि अरे गांधी जी इतना बड़ा नाम, हमारे साक्षात दर्शन, ओ माई गॉड। विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल ओवर इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था, जो हमारे यहाँ पे जो थे ना, क्या कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को हिंदी में, ऑफ नहीं, ऑफ निवेश नियंत्रण, उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति जो थे उनका उद्योगों में सारा मन था, लाइक उद्योग करो, कमाई करो, पैसा कमाओ, बाकी सब दुनिया का तेल लेने। एक इंसान ऐसा था जिसने कहा कि नहीं, अंग्रेजों की नीति खराब है, इनको यहाँ से भागना चाहिए, ये इंडियन इकोनॉमी के लिए खराब कर रहे हैं। वो उद्योगपति कौन था? 78 नीचे लिखा है, वॉलंटियर्स, किस चीज के लिए? ओके, इसका आंसर है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों की नीति भारत के लिए सही नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कचरा कर रही है। Who visualized and depicted the image of भारत माता through a painting? इनमें से कौन सा ऐसा इंसान है जिसने भारत माता की फोटो सबसे पहले बनाई थी और सबसे पहले ये सोचा था कि भारत माता नाम से हम एक ऐसा लाइक कैरेक्टर बनाएंगे जिसको भारतीय लोग ये समझ पाए कि नेशनलिज्म क्या होता है, राष्ट्रीयता क्या होती है? मजे लो बेटा, लेकिन लिमिट में रह के लो, ऐसा मत करो कि हमें आपके कमेंट डिलीट करने पड़े, बहुत बुरा लगेगा दिल से। डी आंसर बता रहे हो आप लोग, अवनींद्रनाथ टैगोर। यस, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले भारत माता की फोटो बनाई थी, भारत माता की एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें इन्होंने विजुलाइज किया था कि भारत माता किस तरह की होंगी। इनके अलावा भी एक और पेंटर थे जिन्होंने भारत माता की पेंटिंग बनाने की कोशिश की थी, बनाई भी थी, कोशिश करके थी, बनाई थी पूरी पूरी, बाकी तो हो गया अपना यार। चलो, इनके अलावा जिसने भी बनाने की कोशिश की थी उनको आप, उनका नाम ढूंढ लेना, याद कर लेना। इसी के साथ आज की क्लास हमारी खत्म होती है, लेकिन आपकी तो पढ़ाई खत्म नहीं होगी, है ना? तो अगर जिन बच्चों का कल एग्जाम है उनको मेरी तरफ से गुड लक, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, आपसे फिर आपके एग्जाम के बाद ही मिलूंगा, अनुपम सर अभी आके मिलेंगे। बट अगर कल एग्जाम है तो उससे पहले एक बार जाकर, हमारा लिंक हमने दे दिया होगा कमेंट में या अभी आ जाएगा, अगर आपने गूगल रिव्यू नहीं दिया है हम तो एक बार गूगल रिव्यू जरूर दीजिएगा। अगर आपकी किसी भी तरह से हमने हेल्प की हो तो एक बार जरूर बताइएगा कि किस तरह से हम हेल्पफुल रहे हैं। अगर कल के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो हमने आपको पढ़ाया हो तो जरूर एक बार आके हमारे गूगल रिव्यू पे या हमारे यूट्यूब चैनल पे या कहीं पे भी एक्सप्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके मैसेजेस जब हमें मिलेंगे तो दिल से बहुत खुशी होगी कि हम आपकी सहायता करने में कामयाब रहे, जो हमने यहाँ पे आके रात को 9-9 बजे आपकी क्लासेस ली हैं और मजे करते हुए पढ़ाई की है वो किसी काम आई आपके। तो बस इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी क्लास और आपके काम भी आए। तो कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत गुड लक, बेस्ट विशेस हमारी तरफ से, धन्यवाद।